नगर निगम भिलाई के सभागार कक्ष में निगम के अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा, निगम के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, भिलाई स्टील प्लांट से अधिकारी के यादव आदि की उपस्थिति में नगर निगम भिलाई के सभागार में भिलाई में कबाड़ी का व्यवसाय करने वाले सभी व्यवसायियों की बैठक बुलाई गई। साथ में निगम के सुपरवाइजर भी उपस्थित रहे। इनके साथ स्व सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल रही। इस बैठक में यह देखा गया कि शहर से निकलने वाले कचड़े जो निगम के सेग्रीगेशन प्लांट में आते हैं, उसका किस प्रकार से निपटान किया जाए, कचरे को कैसे अलग अलग किया जाए जिससे उसे कबाड़ी का व्यवसाय करने वाले लोग अच्छे से खरीद सकें और स्व सहायता समूह की महिलाओं को लाभ हो। निगम क्षेत्र के घरों से निकले हुए गीले सूखे कचरों में किन किन चीजों को कबाड़ का व्यवसाय करने वाले किस किस दाम पर खरीद सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई एवं व्यवसायियों को कहा गया कि वह सेग्रीगेशन प्लांट से अपने मतलब का कचरा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद कर अपनी अहम भूमिका निभाएं। नगर निगम भिलाई में कबाड़ियों को लेकर के बैठक हुई। आज तो हमारे दिशा निर्देश अनुसार जो कबाड़ी लोग हैं उनका, हमारे जो एचओ सर हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने इसका बैठक लिया। अब बैठक के पीछे यही था कि जो भी कचरा शहर का निकल रहा है उसके लिए हमारे यहाँ एक SLRM सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर हम उसको अलग अलग करके रखते हैं और उसके हिसाब से कचरे को जो जो कचरा खाद बना सकते हैं उसको वहाँ निपटान कर देते हैं। बाकी कचरा ऐसे भी कचरे हैं जो रीयूज हो जाते हैं, जो कहीं कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर कबाड़ी के पास जाता है, कबाड़ी दुकान में जाता है, कबाड़ी लोग उसको बेचते हैं। तो हम लोग उस दिन मीटिंग जो हुई, मीटिंग में जो ये चर्चा हुआ कि कबाड़ी लोग जाकर के, कबाड़ी लोग एक समन्वय बना के काम करें, क्या कि कबाड़ी लोगों के पास जो कचरा आता है, हमारे सलाम SLR सेंटर जो है, हमारा जो संग्रह संग्रह केंद्र है, वहाँ जाकर के लोग मिल लें, देख लें जो कचरा निकल रहा है वो कचरा कितना उनके लिए उपयोगी है और उसको हम कैसे अच्छे से सफाई कर दें तो उनके लिए बेहतर उपयोगी हो जाएगा। एक समन्वय बना के कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी लग रहा है कचरा जो रियूज हो जाएगा ना, उसी के बीच का समन्वय बनाने के लिए बीच में मीटिंग की गई थी और कबाड़ी लोग भी एग्री हुए कि हाँ हम जो है सहयोग करेंगे। तो एक अगर ये दोनों लोग सही हो गए तो जो वहाँ पर देखिए जो वहाँ पर काम करने वाली है ना, वो समूह की महिलाएं हैं, उनको ही स्वरोजगार मिलेगा। ये कचरा जब वो बेच लेंगी तो उनको कुछ और आमदनी हो जाएगा। तो दोनों का समन्वय बनाने के लिए निगम में बैठक की गई। यदि निगम के सेग्रीगेशन पॉइंट से अपने मतलब के कचरों की खरीदी कर लेते हैं तो यकीनन इसका संचालन करने वाली महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकेगा। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।